दोस्तों, आजकल छोटा मोटा कोई कार्य करने पर कोई सामान टूट जाता है, चाहे वह चश्मा बना रहे हों या फिर आपका कोई प्लास्टिक का सामान हो, मोबाइल हो या फिर प्लास्टिक की कुर्सी हो, किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में कभी कभी फेविक्विक का यूज़ करते समय आप गलती कर देते हैं, जिससे कुछ होता है, जैसे कि आँख में पड़ जाता है। आप किसी भी चीज़ को चिपका रहे हैं और गलती से झटका लगने की वजह से या प्रेशर पड़ने की वजह से वह फेविक्विक का कुछ पार्टिकल या कुछ बूंद आँख में पड़ जाता है, तो आँखों में समस्या होने का डर रहता है। तो लोगों के मन में यह रहता है कि फेविक्विक पड़ने पर आँख खराब हो जाती है या फिर नहीं होती है। तो इसी को लेकर के बात करेंगे कि फेविक्विक आँख में पड़ जा रहा है तो क्या डरने की ज़रूरत है या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, बात कर रहे थे फेविक्विक आँख में पड़ने पर क्या करना चाहिए, क्या इसे कि डरने की ज़रूरत है या नहीं। कहते हैं काम तो हर कोई कर रहा है और गलती भी हो सकती है, तो आँख में आँख मान लीजिए पड़ गया तो आपको 3-4 पॉइंट्स करने हैं जिससे आप फेविक्विक के रिएक्शन से बच सकते हैं और आपकी आँख सेफ रहेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आँख में आपके फेविक्विक पड़ गया है गलती से, तो आँख को बंद नहीं रखना है, यानी कि ब्लिंक करते रहना है ऐसे ऐसे करके। ये ब्लिंक करने से क्या होगा कि आपकी आँख में जो घर्षण हो रहा है वो रेगुलर बना रहेगा, तो जो फेविक्विक का असर है वह जल्दी नहीं हो पाएगा। अपर और लोअर लिड है हमारी, वह चिपक नहीं सकती है या पकड़ नहीं सकती है। दूसरा, उसके बाद तुरंत आप अपनी आँखों को बार बार ठंडे पानी से और साफ़ पानी से धुलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो फेविक्विक का सॉल्वेंट होता है, फेविक्विक का सॉल्वेंट साइनोक्यूराइटिस कंपोनेंट से बना होता है, वह न्यूट्रल होने लगता है पानी पड़ने की स्थिति में। तो उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वह लूज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वह अपना जो कार्य है उसके कार्य करने की क्षमता 1000 गुना कम हो जाती है, जिससे वह आँख को चिपकने से बचाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको अपनी आँखों को बार बार धुलना है, लगभग 5 मिनट तक छींटा मार करके धुलें, ज़्यादा प्रेशर से ना धुलें, लेकिन आँखों को ठंडे पानी से धुलते रहें और ब्लिंक करते रहें बराबर, आँख को बंद नहीं रखना है। तीसरा, यदि आपके आँख में फेविक्विक पड़ ही गया है तो आँख को रगड़ेंगे नहीं, उसको मसल करके निकालने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आँख को रगड़ने की स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी कार्निया में स्क्रैच आ जाता है, खरोच आ जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा 1000 गुना बढ़ जाता है और आपकी आँख की कार्निया डैमेज हो सकती है, जिससे रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आँख में फेविक्विक पड़ने की स्थिति में आँख को रगड़े नहीं। तीसरा, यदि आपके घर में गुलाब जल है तो उसको आँख में डाल लेना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये था फेविक्विक पड़ने की स्थिति में फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट, यानी कि फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, ये आप करेंगे तो आपकी आँख पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। दूसरा दोस्तों, फेविक्विक यदि आपकी आँख में पड़ जा रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह फेविक्विक का कंपोनेंट जो होता है यह रिवर्सिबल होता है, यानी कि जैसे जैसे यह हार्ड होगा वह पपड़ी बनकर निकल जाता है। यदि आँखों को ब्लिंक करते रहेंगे, चिपकेगा नहीं, तो पपड़ी के रूप में वह निकल जाएगा और फिर आसानी से उसको हटा दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़, आपको ये जानना ज़रूरी है कि फेविक्विक कभी भी कार्निया पर चिपकता नहीं है या पकड़ता नहीं है। कार्निया में ऐसी क्वालिटी है, कार्निया का ऊपरी लेयर टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से इसमें फेविक्विक चिपकता नहीं है, जिससे हमारी कार्निया सेफ रहती है। हाँ, कुछ लोग आँखों को रगड़ देते हैं, जिसकी वजह से आँख में रगड़ पड़ जाता है, स्कार पड़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो रगड़ना नहीं है, इसका भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। दोस्तों, फर्स्ट एड के बाद में अपने नज़दीकी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि आप ये चीज़ का डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपके कार्निया में इन्फेक्शन हो गया है या स्कलरा में कोई स्कार हो गया है या आँख के अंदर अभी फेविक्विक का असर है या नहीं है। यह जब अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को चेक कराएंगे या दिखाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर दवा प्रेस्क्राइब करेंगे, जिस हिसाब से आपके डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से आपको करना है, तो इससे आप फेविक्विक के असर से बच सकते हैं।
ये दो तीन पॉइंट्स आप यूज़ करके अपनी आँखों को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।